ओम नमः शिवाय। वशिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। श्रीहरिं परमानन्दं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। कृष्णाय गुरवे नौमि, गुरवे कृष्णरूपिणे, उभये नास्ति संभेदः, गुरुकृष्णं नमाम्यहम्। श्रीहरिभगवान् की जय। चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। भगवान श्री हरि सहित श्री हरि मंदिर में विराजित श्री चंद्रमौलीश्वर सहित अन्यान्य सभी देव विग्रहों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन चरणों में प्रपन्नता पूर्वक प्रणाम। और आप सभी जो बड़े जिज्ञासु बन करके और उस शिव तत्व को जानने के लिए, उस शिव को समझने के लिए, या फिर उस शिव जी के नाम से या कथा आदि के द्वारा जो उस शिव तत्व को पहचानने की चेष्टा करने के लिए हम सभी समुपस्थित हुए हैं, आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण, हरिओम। वैसे तो भगवान शिव का नाम स्मरण करना कल्याणकारक है, भगवान शिव के पास बैठना भी शांतिप्रद है, और उनके बारे में चर्चा करना तो आनंददायक है। उनके लिए या उनके साथ की जाने वाली प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा आपको शांति प्रदान करेगी, आपको कल्याण प्रदान करेगी। उनका नाम ही भैया शिव है, शिव का अर्थ ही कल्याण करने वाला है। तो ऐसे भगवान श्री हरि हर के सान्निध्य में हम सभी जुड़े हुए हैं, हम सभी बैठे हैं। मैं तो यहाँ उपस्थित हूँ ही, लेकिन आप लोग भी मीडिया के माध्यम से या मन से यहाँ पर उपस्थित हैं, भगवान श्री हरि का दर्शन कर रहे हैं, भगवान चंद्रमौलीश्वर का दर्शन कर रहे हैं। और गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि हम सभी रोज़ अभिषेक के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से नित्य यहाँ जुड़े हुए ही हैं। तो आप सभी को हार्दिक स्वागत यहाँ मैं सांदीपनी के श्री हरि मंदिर के प्रांगण में करता हूँ। आइए हम भगवान शिव के तत्व को जानने के लिए कुछ चेष्टा करें। हम रामचरितमानस के अनुसार शिव तत्व को, शिव महिमा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने सुना कि नारद जी के प्रसंग के द्वारा भगवान श्री हरि ने जो एक संकेत कहने की अपेक्षा ये कहना उचित होगा कि उन्होंने एक अपना एक ठोस मर्म, एक जो ठोस बात है हमारे सामने बड़ी दृढ़ता पूर्वक रखी कि शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। ये बात हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां पर विषाद से मुक्त होने के लिए भी भगवान ने एक उपाय बताया कि जाकर के और जपहु शंकर सतनामा, भगवान शंकर के शतनाम का
या तो भगवान शिव के ओम नमः शिवाय की एक माला कर लो, या दूसरे अर्थ में भगवान के जो शतनाम का स्तोत्र है उस स्तोत्र का पाठ करो। अरे भैया, शतनाम और ये शतनाम स्तोत्र की कहाँ तक बात करें, माँ पार्वती तो यहाँ तक कहती है कि जिनके दो अक्षरों के नाम का भी प्रसंगवश यदि कोई स्मरण कर ले तो सकृत प्रसंगात अघम आशुहन्ति तत्। वो दो अक्षर भी न जाने कितने पापों को हर लेने वाला बन जाता है। वो दो अक्षर यानी कौन सा? शिव। शिव वो कल्याणवाची, कल्याण का पर्यायवाची शिव जो शब्द है उसकी अनंत महिमा हमारे सभी शास्त्रों में आपको प्राप्त हो ही जाएगी। तो हम चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस में शिव महिमा की। तो वैसे तो जैसे हमने पहले सुना कि हर जगह शिव महिमा आपको प्राप्त होगी ही होगी, भगवान के मुख से भी प्राप्त होगी, भगवान राम के मुख से, श्री हरि के मुख से प्राप्त होगी। लेकिन उनकी महिमा का और जो एक प्रसंग है जिसमें शिव महिमा को खूब अच्छी तरह से जहाँ पर वर्णित किया गया है रामचरितमानस में, ऐसा जो प्रसंग है लंका कांड में, वह है भगवान रामेश्वर की कथा का। और ये प्रसंग तो हम गुरुदेव के मुख से अच्छी तरह से इसका लाभ हमने रामेश्वर में भी लिया ही है, लेकिन उस प्रसंग को यहाँ मैं संक्षेप में आपके सामने वर्णन करूँ तो सेतुबंध बन चुका है और वानर आदि जो युद्ध के लिए तत्पर हैं उनकी मदद से और भगवान राम की नाम की महिमा से सेतुबंध बन गया। सेतुबंध तो बना है, लेकिन अब जब ये सेतुबंध पूरा बन चुका है, यहाँ पर भगवान श्री राम एक बात कहते हैं कि मेरे मन में एक कल्पना है, मेरे मन में एक संकल्प है, क्या करी हूँ यहाँ शंभु थापना, यहाँ पर मुझे शिव जी की स्थापना करनी है, ये मेरे मन में संकल्प है। अच्छा, क्यों करना है? तो उसके पहले वाली अगर हम चौपाई पढ़ें, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। इस धरनी की, इस भूमि का बहुत बड़ा महत्व है। क्यों है? इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, लेकिन एक संक्षेप में आपके सामने बात रखूं तो यहाँ पर सेतु बंध बना है। किसके लिए बना है, क्यों बना है? बोले सीता जी तक पहुँचना है, इसीलिए। सीता जी यानी भक्ति स्वरूपिणी है माँ सीता जी। जीव जब भक्ति तक पहुँचने के लिए प्रयास करता है और भक्ति तक पहुंचने के लिए जब वो एक सेतु निर्मित करता है, ये सेतु कैसा है? बोले ये सद्गुणों और दुर्गुणों से बना हुआ सेतु है। दुर्गुणों से? ऐसे कैसे? स्वामी रामकिंकर जी बड़ा सुंदर इसका व्याख्यान करते हैं कि ये पत्थर जो राम नाम से जुड़कर के बने हैं, वहां पर सद्गुणों की सद्गुण वहां पर हमें दर्शित हो रहे हैं, और वहीं जलचर जो प्राणी हैं जिन्होंने सेतु को वहाँ पर स्थिर रखने की चेष्टा की है, उस जलचर प्राणियों को दुर्गुणों का रूप बताया गया है। तो इन सद्गुणों और दुर्गुणों दोनों से सेतु बंध बना है। दुर्गुणों से क्या तात्पर्य है? बोले हमारे जब हम इस संसार में आते हैं तो इस संसार के दुर्गुण हमें लगने ही लगने हैं। भैया आप कीचड़ में उतरो और ऐसा मानो कि कीचड़ मुझे लगे ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप कीचड़ में उतरोगे और कीचड़ आपको लगना ही है। वैसे ही हम सभी इस संसार में आए हैं तो संसार के ये जो कीचड़ है, राग द्वेष आदि, वो सब तो हमें लगने ही लगने हैं। तो हम आए हैं इस संसार में तो दुर्गुण तो हमें लगने हैं, लेकिन उन दुर्गुणों से भागने की बजाय उन दुर्गुणों को अगर हम प्रभु के तरफ, भगवान के तरफ उसका मुख मोड़ दे, उसका रुख मोड़ दे, तो वो दुर्गुण भी कहीं ना कहीं हमें भगवत तत्व तक पहुंचने में मदद करते हैं। देखिए ये सेतुबंध सीता तक पहुंचा रहा है ना, तो इन सद्गुणों और दुर्गुणों से ये सेतुबंध बना है। और जब जीव की वो, साधक की वो अवस्था आ जाती है कि जब वो भक्ति तक पहुंचने के लिए ऐसे दुर्गुणों को मोड़ करके, राग तो है जीवन में लेकिन उस राग को प्रभु के चरणों में लगा करके उस अनुराग को भक्ति का रूप दे दे, तो वो दुर्गुण और सद्गुणों से बने हुए उस सेतुबंध से जब जीव, वो साधक भक्ति तक पहुंचने की चेष्टा करता है, तब वो जो साधक की अवस्था है ना, वो है परम रम्य।
और इसीलिए परम रम्य उत्तम यह धरणी, ऐसी जब हमारी अवस्था आ जाती है तब हमारा जो हृदय की भूमि है वो परम रम्य हो जाती है। और वो अवस्था कैसी हो जाती है, जहाँ पर भगवान राम कह रहे हैं कि यहाँ अब मुझे शिव की स्थापना करनी है। जब इस तरह से चित्त शुद्ध हो जाए तब भगवान राम कहते हैं इस उत्तम धरणी में अब भगवान शिव की स्थापना की जाए। तो कहने का तात्पर्य, जब साधक भक्ति की तरफ उन्मुख होता है तब ऐसी परम पवित्र हृदय की धरती में शिव तत्व उतरता है, और फिर वहाँ पर आकर के और भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की है। और स्थापना कर दिया इतना ही नहीं, आगे जाकर तो यहाँ तक कहते हैं कि जो भी भक्त इस रामेश्वर का आकर के दर्शन करेगा उस भक्त को मेरे धाम में वास मिलेगा। जो यहाँ पर ला करके गंगा जल चढ़ाएगा उस गंगा जल से उसे सायुज्य की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लिखा है, जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं ते तनु तजी मम लोक सिधरी हहीं, जो गंगा जल आनी चढ़ाई ही सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। तो ऐसी रामेश्वर की महिमा का खूब बखान किया है, और फिर से भगवान श्री राम यहाँ कह रहे हैं कि शिव के समान कोई मुझे प्रिय नहीं है। अगर कोई मेरा भक्त हो और शिव जी से द्रोह करे तो वो मेरी भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता, वो मेरी कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसे मेरी कृपा तक, मेरी भक्ति तक पहुंचना है तो उसका सबसे पहला सोपान है कि वो शिव जी की कृपा को प्राप्त करे। तो ये शिव जी की महिमा है, ये रामचरितमानस में वर्णित शिव जी की महिमा है। तो इस तरह से हम रामचरितमानस में जो इस लंका कांड में रामेश्वर दर्शन के द्वारा हमें शिव जी के महत्व का, शिव महिमा का जो प्रतिपादन किया है उसका दर्शन हुआ है। जितना समय मिल रहा है उतने में हम शिव चर्चा कर रहे हैं, लेकिन न केवल रामचरितमानस में अपितु सभी शास्त्रों में, मैं कह रहा हूँ सभी शास्त्रों में आपको भगवान शिव की महिमा प्राप्त होगी ही होगी। क्योंकि भाई हमारा आध्यात्मिक मार्ग ही शिव मार्ग प्रशस्त करता है और शिव तत्व तक पहुंचाता है। उसका मार्ग भी शिव से युक्त है और उसका साध्य भी शिव ही है। तो संस्कृत साहित्य की बात हो, कालिदास ने भी अपने संस्कृत कुमार संभवम ही ले लो तो उसमें भी शिव महिमा कितने अच्छे से वर्णित है। संस्कृत के सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में, चाहे वेद हो, सभी जगह शिव जी की महिमा खूब अच्छी तरह से वर्णित है। तो ऐसे अथाह सागर में से हमें थोड़ा थोड़ा आचमन करना है। तो रामचरितमानस ने इस तरह हम भगवान शिव की महिमा का दर्शन हमने शिव जी की ही कृपा से प्राप्त किया, और आगे भी हम संक्षिप्त जो भागवत में श्री राम की महिमा का वर्णन है, भगवान शिव महिमा का वर्णन है, उसका हम दर्शन करेंगे। आप सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।